हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ब्रेड से कुछ अच्छा नाश्ता। ब्रेड का नाश्ता खाकर आप वही बोर हो चुके हैं। ब्रेड सैंडविच, ब्रेड बॉल्स, तो आज हम कुछ अलग बनाकर दिखाएंगे आपके लिए और आपको बहुत पसंद भी आएगा। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाना कैसे है, ये मेरे पास आलू, सूखे आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी। आप इस समय चाहें तो फ्रेश आलू ले लें, क्योंकि मेरे पास बचे हुए थे तो मुझे वेस्ट नहीं करना था। मैं इसी में ही बना के तैयार करूँगी। और ये हमने एक प्याज काट लिया है बारीक बारीक, इसे भी इसमें मिला देंगे। इसमें आप अपने पसंद की सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको सब्ज़ियाँ पसंद हो खाने में। और इसमें आप स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें डालकर इसे मिला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे धनिया, हरा धनिया, ये हमने साफ़ कर लिया है पहले। और इसमें हम काट देते हैं इसके लिए बारीक बारीक, और इसको भी हमें मिला देना है इसी में। और अब इसमें डालेंगे हम मोजरेला चीज़ आप ज़रूर डालें, जब ये अच्छे बनेंगे खाने में टेस्टी। और इसमें कुछ मसाले डालेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सब्ज़ी थी आलू की, तो हम इसमें मसाले थोड़े ही डालेंगे, क्योंकि मसाले इसमें पहले ही पड़े हुए हैं सारे। अगर आप फ्रेश आलू लेते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग मसाले डाल सकते हैं, जैसा आपको खाना पसंद हो। ये थोड़ा सा लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर भुना हुआ, और थोड़ी सी डालेंगे एक पिंच हींग। हींग का टेस्ट अच्छा लगता है खाने में आता है जब। और इसे सारे सामान डाल के अच्छी तरह मिला देंगे। थोड़ा सा हमें स्वाद अनुसार नमक भी डालना है, क्योंकि हमारे पास नमक पहले ही पड़ा हुआ है सब्ज़ी में, तो आप इसमें नमक थोड़ा ही डालेंगे। और इसे अच्छी तरह मिला देंगे हाथों से। और अब हमने ये ब्रेड क्रम बना के तैयार कर लिया है। ये तीन चार ब्रेड लिए थे फ्रेश, आपके पास रखा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने 2 चम्मच मैदा और 4 चम्मच चावल का आटा लिया है, और आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं। अगर आप मैदा नहीं डालें तो बेसन डाल सकते हैं। और ये हमने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा नमक डाला है स्वाद अनुसार। और इसका गाढ़ा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। ये हमने चावल का आटा लिया है, इससे बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होंगे लॉलीपॉप। और इसे गाढ़ा बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। और इधर हम साथ ही हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम ये तैयारी कर लेते हैं। तो हमें इतना ही गाढ़ा रखना है बैटर के लिए, इससे कि अच्छी तरह ये हम जो बनाएंगे बॉल्स वो कोड हो जाएं। चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने ब्रेड लिए हैं, ब्रेड की हम साइड हटा देंगे चाकू से, कोई नहीं भी आप फेंके नहीं, इनका भी आप ब्रेड क्रम बना के रख सकते हैं, आगे किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं इसे। और एक बर्तन में लेंगे पानी, क्योंकि हमें ब्रेड को भिगो के इस तरीके से हाथों से, और इसका पानी निचोड़ देना है। और बीच में अभी हमने ये मसाला बना के तैयार किया है वो रखेंगे। और हम लॉलीपॉप बना रहे हैं तो हमने हमने आलू काट के तैयार कर लिया था। जो हम लॉलीपॉप बना रहे हैं उसमें स्टिक लगाने के लिए हमने आलू का यूज़ किया है। और इस तरीके से हम पानी से लगा के इसे बंद कर देंगे अच्छी तरह, और इसको बनाकर इस तरीके से हम रख लेंगे प्लेट में, और ऐसे ही सारे बना लेंगे। उसके बाद में हम इसे घोल में डिप करके और ब्रेड क्रम में लपेट के कढ़ाई में डालना है। कढ़ाई आप मीडियम हॉट रखें, ना ज़्यादा गर्म होनी चाहिए ना ही ठंडी। फ्रेंड्स, एक बार आप ये ब्रेकफास्ट बनाकर देखें, गारंटी से आपको बहुत पसंद आएगा, आपके बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें फ्रेंड के साथ अपने। और ऐसे ही हम सारे लॉलीपॉप बना के रख लेने हैं, जितने भी हमें बनाने हैं, और हम इन्हें फ्राई करेंगे अब। और फ्रेंड, वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, इससे कि कोई भी आपसे मिसिंग ना हो चीज़, जिससे कि आपके सही से बने, जो भी आप रेसिपी बनाएं वो सही से बने। क्योंकि पूरा देखेंगे वीडियो को जब ये सही से समझ में आता है कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है। चलिए फ्रेंड, अभी हम फ्राई कर लेते हैं। एक बार आप ज़रूर बनाएं, ये वाली डिश आपको पसंद आएगी।
ये थोड़ा सा बैटर नीचे बैठ जाता है, एक बार इसे और चला लेना है, जो चावल का आटा है तो वो नीचे बैठ जाता है। इस तरीके से इसमें डिप करेंगे और ब्रेड क्रम में लगाएंगे, इसे लपेटेंगे और इसे हम कढ़ाई में डालेंगे। और ऐसे ही हमें सारे बैचेस फ्राई कर लेने हैं। ये बनाने में आसानी से बन जाते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है बनाते समय। जैसे कि हम ब्रेड को जो पानी में भिगोते हैं तो उसे ज़्यादा नहीं भिगोना है, जिससे कि ब्रेड टूटे नहीं, और उसे अच्छी तरह निचोड़ना है, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए, और जिससे गीला रहेगा तो ये हमारे सही से बन नहीं पाएंगे लॉलीपॉप। और घोल को भी हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा थिक रखना है, गाढ़ा। और ये देखिए लॉलीपॉप बन के तैयार है। चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं, हमें इतने ही गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें तलना है। ये पलट देते हैं इस तरीके से, आप सेक लें घुमा घुमा के चारों तरफ से, और इन्हें निकालते हैं प्लेट में। आप अपनी मनपसंद चटनी सॉस किसी के साथ एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म। फ्रेंड वीडियो को शेयर और लाइक करना नहीं भूलें, और इसे हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। ये हमने मेयोनी लिए, इससे हम इसके गार्निश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड बनके तैयार हैं, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए और अपने घर पर बनाकर बच्चों बड़ों सभी को खिलाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।